सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आप बी न्यूज। आपको बता दें कि भारत में पहली बार कोरोना की वजह से इस तरह से पूरा भारत डाउन हो गया। पूरे भारत की सभी सीटें डाउन नजर आई। भारत में कहीं भी कोई भी लोग नहीं नजर आए। सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन हो, पब्लिक प्लेस हो, कहीं भी लोग नहीं देखे। हालांकि आतवार के दिन होने की वजह से भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जिन्हें आह्वान किया था कि जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा, भारत में सभी जगहों पर, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, असम, बंगाल, सभी जगहों पर लोगों ने बेखाबी उसको निभाया। और आपको बता दें कि शहर से लेकर गांव तक लोगों ने थाली बजाया, कोई घंटा बजाया, जिसके पास जो था उसी बजाकर लोगों ने कोरोना वायरस पे बड़ी विजय की कामना की। आपको बता दें जिस तरह से पूरी दुनिया में चाइना से निकलकर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपनी पांव पसार चुका है, भारत में भी कई सारे संक्रमण मिल चुके हैं, 100 के पार हो चुके भारत में। अब देखने वाली बात यही है कि कब तक कोरोना का संक्रमण रहता है, कब तक खत्म होती है, क्या यह 12 घंटे की लॉकडाउन से कोरोना का खात्मा हो सकता है या कोरोना इससे कम हो सकती है, देखने वाली बात यह होगी। लेकिन आपको बता दें जैसे ही शाम 5 बजे गाँव से लेकर शहरों तक लोगों ने लगातार अपने घरों से निकलकर थाली हाथ में कुछ लेकर, डंडे लेकर, कुछ भी लेकर बजाते हुए नजर आए। शहर हो या गाँव, अक्सर कहा जाता रहा है कि गांव के लोग विकसित नहीं होते, गांव के लोग जागरूक नहीं होते हैं कि, लेकिन इस कोरोना को लेकर पूरे गांव में भी, उत्तर प्रदेश से लेकर सभी शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन खास करके गांव में लोगों ने थाली बजाते नजर आया। देखिए खास रिपोर्ट।